কিরে লজ্জা পাচ্ছিস, এতদিন আসবো আসবো বলে লজ্জা পাচ্ছিলি? Hey guys, good morning, welcome back to our channel. तो guys, आज सुबह सुबह मैं आ गई. तो आके ना मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं किया था कि एक्साइटमेंट थी कि घर के लोगों से इतने दिन के बाद मिल रही हूँ. तो मेरा माँ तो बहुत खुश है, और जो मेरा जो दादा का जो बेटा है, मेरा क्या बोलते हैं उसको, भांजा, तो वो तो इतना एक्साइटेड हो गया कि रास्ते पे जाके कह रहे थे कि कब आऊँगी मैं. तो एक्साइटेडमेंट में तो मैं भी उतना वीडियो नहीं कर पाई. तो अभी ना मैंने एक प्लानिंग किया है कि मेरा भाभी हो, भाभी और माँ, दो दिन पहले ही तो मदर्स डे था, तो इसलिए मैंने सोचा कि माँ और भाभी को मैं आज कुछ मेरे हाथ का मतलब तो मैं खाना बनाऊँगी उन दोनों के लिए, माँ और भाभी के लिए. तो इसके लिए मैं जितना जो भी चाहिए तो मैं कलकत्ता से ही लेके आई थी, तो उससे आज मैं खाना बनाऊँगी. तो देखते रहिए आज का ब्लॉग, और मेरे घर पे कौन कौन है क्या नहीं है. और ये वाला मेरा रूम था पहले, और अभी मेरा भाभी रहते हैं. तो होम टूर और सब कुछ आप लोगों को ब्लॉग में धीरे धीरे मिल जाएगा. तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है. और अभी बज चुका है घड़ी में 9:30, और मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है. क्योंकि यहाँ पर ना मेरे घर पे क्या होता है कि सुबह सुबह मतलब तो ज़्यादा ही सुबह ही ब्रेकफास्ट हो जाता है सबका. तो मेरा भी हो चुका है, और ब्रेकफास्ट मैंने आज नहीं दिखाया क्योंकि कल रात को ट्रेन में ना मैंने जो खाना खाया था तो पानी नहीं था, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था. तो जो भी है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं स्टार्ट होता है. देखते रहिए, और ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग. तो गाइस, यहाँ पे मैंने सब कुछ काट के रेडी कर दिया. तो गाइस, अभी आज बनेगी पटल की सब्जी चटनी, और यहाँ पे आलू, भिंडी, करेला और बैंगन सब कुछ का भाजा. हो गई मेरा लंच बनाना. अभी हम मैं और कुछ का मिलके जाने वाले हैं पेड़ केले का पत्ता लाने, और वो घर के पीछे ही मिलता है. कौन सा पत्ता लेबो? छोटो गाछ, এই তো এই যে এখানেই হবে, এগুলো একটা নিলে হবে. तो गाइस, हम आए हैं घर के पीछे, बट हमें कला पत्ता नहीं मिला और दिख गए इतने सारे आम. ये हमारे घर के ही पीछे है, ये देखो ये भी यहाँ पे है. तो चलते हैं घर और लंच की प्रिपरेशन करते हैं. ये लेके नहीं के आए थे, हुआ नहीं. और अभी देखो मेरा भाभी आ रहा है, क्योंकि ऐसे करके आ रहा है. मैंने इसको सजा दिया, और अभी इसको शर्म आ रही है बाहर आने में. और भाभी तो जैसे तैसे करके आ गए, और माँ नहीं आए. तो इन दोनों का अभी होगा फोटोशूट. ओ देखो मॉडल. इन दोनों को शर्म लग रहा था क्योंकि घर में ऐसे कभी नहीं सजा आज फर्स्ट टाइम है, इसीलिए इतना शर्म आ रहा था. तो हमारा मॉडल रेडी हो चुका है, तो अभी होगा मेरा भाभी और माँ का फोटोशूट. और मैंने कैसा बनाया बोलो? बहुत अच्छा. बोलो बोलो, बहुत अच्छा. जोर से बोलो, बहुत अच्छा है. ओके, तो बोल कैसा बनाए? खिन क्यों नहीं खाए? ठीक ठाक है. अच्छा नहीं है जी, उससे ठीक ठाक है. ये चुड़ैल है, ये वाला तो है ना, एक ही तो, मतलब तो एक ही है. इसको बहुत अच्छा लगा है, देखो कैसे चाट चाट के खा रहा है.
तो हो गया हमारा खाना पीना सब कुछ। नाम क्या है तुम्हारा? खाना हो चुका है और अभी हम बैठे हैं बातें करने के लिए। हिंदी आता है? दोनों है अच्छा भी है तो बातें कर रहे हैं। किसी को आता है या फिर नहीं आता? मेरे माँ को बहुत अच्छे से आता है ना? क्या कर रहे हो माँ, क्या कर रहे हो बताओ, बताओ ना क्या कर रहे हो? सोच रहे हो मन ही मन क्या बताऊँ। मेरे माँ भी बिजी है सिलाई करने में, साड़ी का वो जो पार होता है वो छूट गया। और ये बिजी है चिप्स खाने में, और ये लड़की बिजी है अपनी परेशानी में सोचने में क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके लिए ये बिजी है क्योंकि इसके पेट में हमारा और भी एक नन्ना सा बच्चा आने वाला है, तो इसको प्यार में नहीं मिलेगा इसके बाद से, है ना? भाग गया। मैं तुम बताओ ना, तुम्हारा हिंदी बहुत अच्छा लगता है, तुम बताओ। हैदराबाद पे गए थे उस टाइम पे बोला था ना भैया खाली सादा पानी दीजिए, सादा पानी वो वाला बोल दीजिए बोला ना थोड़ा वाला बोलो सादा पानी क्या चीज है? सादा पानी एक नींबू पानी बिक्री होती है तो माँ को प्लेन पानी पीना था, ठीक है, भैया को बोला कि भैया मुझे सादा पानी दीजिए, और भैया कन्फ्यूजन हो गया कि सादा पानी क्या है। तो यही था मेरा माँ का हिंदी। हिंदी में बताओ ना, हिंदी में बताओ ना, हमें भी सुनना है। बोलो, अरे एक पैसे बोलना नहीं आता, समझ आता है? जो आता है हिंदी टूटा फूटा वही बताओ, वही सुनने में अच्छा लगता है। बोलो तुम बताओ ना, क्या किस चीज से खाना खाए हो तुम आज? क्या क्या खाए हो? दाल भात खाना खाते हो? जोर से बताओ ना, सुनाई नहीं देगा। इतना खा के बोल दिए दाल भात। बोल कितना कुछ खाया? बहुत कुछ खाया, फिर भी बोला दाल भात। इतना कुछ खिलाया, मछली खिलाया, सब्जी खिलाया, खीर खिलाया, चटनी सब कुछ खिलाया, उसके बाद भी ना चीटिंग मत करो माँ। माँ तुम्हें देखो सब लोग हंस हंस के मर जा रहा है। हम जब से आए घर पे ही पेड़ पे सो के सब चल रहे हैं हमारे। क्या बोला? बोला तो ठीक ठाक बोला। क्या बोला? आप क्या कर रहे हो ये तो बताओ। सिलाई करना। क्या सिलाई करना चल रहे? तो गाइस मेरे माँ को हिंदी नहीं आता, बट माँ बोल रही है हमें सुनने में बहुत प्यारी लगती है, इसीलिए माँ को चिढ़ा रहा है, और मेरे माँ कोई माइंड नहीं करता इसीलिए बोल रही हूँ। हागी बोल, ये भी शर्म आ गया है। ये बोल रहा था कि चिप्स खानी है। बोलो चिप्स खानी है, बोलो। इज गुड इवनिंग, तभी मैं आई हूँ छत पे, और ये मेरा बेस्ट प्लेस है। मेरे घर पे ना किसी को छत पे आना उतना पसंद नहीं है, तो मैं जब भी घर पे आती हूँ छत पे तो आती हूँ। और यहाँ से देखो कलकत्ता से आसपास से सब घर ही घर दिखता है, और यहाँ से ग्रीन का ग्रीन। जिधर पे भी देखोगी ऐसा ही दिखाई देगा। देखा तो शाम होने वाला है, और ये हमारा ही घर है। मैं छत पे ही ज़्यादा टाइम रहती थी, मुझे बहुत पसंद है छत पे रहना। और कलकत्ता का जो भी हम जहाँ पे रहते हैं वहीं पे, तो एक दिन में एक या फिर दो बार तो मुझे छत पे जाना ही होता है। और सुबह से ना मैं थोड़ा बिजी थी एक्चुअली, भाभी को मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना था, और माँ को दो दिन पहले ही मदर्स डे था, तो इसीलिए सोचा कि माँ को भी अपने हाथों से खाना दे बना के खिलाते हैं, इसलिए उसके कारण मैं बिजी थी सुबह से, उतना बात भी नहीं कर पड़ी और छत पे भी नहीं आ पाई। तो सोचा अभी शाम हो चुका है, अभी घूम के आती हूँ, तो आ गई इसलिए छत पे, और थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी नीचे,
आई, बहुत दिन बाद आई, अच्छा लगा। पर सच पूछूँ तो सब में भी एक अधूरा चीज़ है, मैं बार बार रिक को ही मिस कर रही हूँ कि रिक क्या कर रहा है, क्या खा रहा है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिंदास है, उसने ही बोला मुझे कि मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिंदास हूँ। बट मेरा मन नहीं है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि कब मैं जाऊँगी। तो बहुत मिस कर रही हूँ उसको, बस ऐसा है कि जल्दी से मैं रिटर्न चली जाऊँ। बिल्कुल भी अच्छा है, मन नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बट सब कहते हैं ना, सब कुछ होने के बाद भी कुछ अधूरा होता है, तो मेरे भी वही सीन है। तो थोड़ी देर छत पे रहूँगी, फिर न जाऊँगी नीचे, शाम का पूजा दूँगी, बाकी देखते हैं क्या करते हैं। अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है, एक्चुअली कोई कुछ भी प्लानिंग नहीं है। इवनिंग गाइस, अभी 7 बज चुका है और मेरे भैया लेके आए हैं एग रोल और साथ में चाउमीन। भाभी को चाउमीन पसंद है इसलिए थोड़ा लेके आए और हमारे लिए रोल लेके आए। तो गाइस, आज का दिन ऐसा ही गया, घर आए बातें करते करते सबके साथ, कब दिन निकल गया सच में पता ही नहीं चला। तो अभी मेरा नींद भी आ गया क्योंकि कल रात को मैंने ट्रेन पे सोया नहीं, और अगले दिन ना बारिश हुआ था, इस वजह से ना मुझे सियालदह से ट्रेन पकड़ना था बट पकड़ नहीं पाए, दूसरे स्टेशन से पकड़ना पड़ा। तो इस हैरेसमेंट में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे तो एक बार तो लगा था कि ट्रेन ही नहीं पकड़ पाऊँगी, तो ऐसे करके आए। तो ऐसा ही था आज का ब्लॉग। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट पर ज़रूर बताना। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।